तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए व्लॉग में। तो गाइस यार अभी हम लोग घूम रहे हैं राजस्थान के जोधपुर शहर में, और अभी समय की बात करें तो रात के 11:30 बज रहे हैं और हम अपनी कैंपिंग टेंट की लोकेशन पे हैं। और हमारा आप पीछे देख पा रहे होंगे ये टेंट लगा हुआ है। शहर घूमकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, तो हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय करा जोधपुर शहर में। और आप ये देख पा रहे होंगे हमने जो कैंपिंग टेंट लगाया है ये एक महात्मा गांधी सरकारी अस्पताल है और उसी का ये ग्राउंड है जहाँ पे लोग बैठते हैं, तो हमने अपना कैंपिंग टेंट वहीं पे लगाया है। तो गाइस यार जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने पेड़ के नीचे अपना कैंपिंग टेंट लगाया हुआ है। और हम लोग पेड़ के नीचे इसलिए कैंपिंग टेंट लगाते हैं क्योंकि ओस जो होती है ना वो अगर कैंपिंग टेंट पर गिर जाती है तो अंदर कैंपिंग टेंट के अंदर ठंडा लगता है। अगर पेड़ के नीचे आप लगाते हैं कैंपिंग टेंट तो उस पर ओस नहीं गिरती और आपको अंदर ठंडा नहीं लगता है। तो हम लोग ज़्यादातर ऐसी ही जगह लगाते हैं जहाँ पर कोई पेड़ हो या फिर कोई छत हो, वो जगह कैंपिंग के लिए सबसे बढ़िया रहती है। तो गाइस यार अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और हमारी 6:30 बजे सुबह जोधपुर से जैसलमेर के लिए ट्रेन है, तो हमको सुबह ट्रेन भी पकड़नी है। तो अभी सोते हैं और आपको बोलते हैं गुड नाइट, मिलते हैं आपसे सुबह रेलवे स्टेशन पर। तो अभी बज रहे हैं 11:30 और हमारी जो ट्रेन है वो लेट होते होते 12:00 बजा दी है उसने। तो अभी हम लोग स्टेशन के बाहर पी रहे हैं चाय और अभी हमारी ट्रेन है 12:00 बजे की, तो चलिए स्टेशन पे चलते हैं। तो भाई साहब हम लोग जा रहे हैं जोधपुर छोड़ के और हम लोग जा रहे हैं जैसलमेर, और यहाँ पे हम लोगों को जोधपुर में घूमते हुए हो चुके हैं 5 दिन। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया घूम पे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। अगर आप भी यहाँ पे जोधपुर घूमने के लिए आ रहे हैं तो आप गूगल लिस्ट पे जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, वो आपको बता देगा आपको कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाना है। और जैसा कि इसके पहले का ब्लॉग देखा होगा रावण की ससुराल, जोधपुर आना तो रावण की ससुराल जरूर जाना घूमने का है, मज़ेदार और बहुत ही अच्छा है। और जोधपुर शहर भी अच्छा लगा है। और अब इसके बाद चल रहे हैं जैसलमेर, अब जैसलमेर के आएंगे ब्लॉग कंटिन्यू, और देखते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, गर्दा उड़ा दो गर्दा। और अगर तुम लोग जाओ भाई रावण ससुराल देखने तो उसके छतरिया है, छतरिया भी देख के आना, वहाँ पे काफ़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है, फोटो शूट के लिए और रील के लिए वो काफ़ी बढ़िया प्लेस है भाई। तो भाई साहब हम लोग जोधपुर छोड़ रहे हैं और अब हम लोग चल रहे हैं जैसलमेर। जैसलमेर में आपको पूरा रेगिस्तान दिखाएंगे हम लोग और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है जैसलमेर में। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे जैसलमेर में। तो स्वागत है आपका जैसलमेर में। तो गाइस यार अभी हम लोग फाइनली 6:00 बजे पहुंच चुके हैं जैसलमेर। और भाई साहब यहाँ ठंड की बात करें ना, ठंड है बहुत ज़्यादा। अभी हम लोग ट्रेन के अंदर लेटे थे ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। चलिए स्टेशन के बाहर चलते हैं फिर आपसे बात करते हैं, यहाँ पे शोर ज़्यादा है। तो स्वागत है आपका जैसलमेर में। तो गाइस यार फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जैसलमेर और अभी हम लोग रुके हुए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे ये इंदिरा रसोई योजना है, तो हम लोग यहाँ पे भी खाना आना खाएंगे और नहा धो के यहाँ से निकलेंगे जैसलमेर घूमने के लिए। तो गाइस यार रात में बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी ट्रेन के अंदर, लेकिन हमारे पास में स्लीपिंग बैग था तो गाइस यार हम लोग आराम से सो गए थे, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ के लोगों बता रहे हैं कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में होती है बहुत ज़्यादा ठंडी। तो गाइस यार जैसलमेर में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जैसलमेर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और यहां पे बताते हैं एक तालाब है, तालाब में नाइट शो चलता है करीबन 1/2 घंटे के लिए, तो उसमें पानी में प्रोजेक्टर लगाया है उन्होंने और वहां पे लाइटिंग वगैरह भी की है, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और वो म्यूज़िक शो देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो हो सकता है आज के वीडियो में आपको मैं वहाँ पर ले कर चलूँ। तो अभी गाइस यार थोड़ा सा नहाते हैं और फिर खाना खाने के बाद फिर आपको घुमाने ले कर चलते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे हम लोग आए थे, आप पीछे देख पा रहे होंगे इंदिरा रसोई है, हम लोगों ने यहाँ पे खाना आना खा लिया है। और ये हमारा बैग देख पा रहे होंगे, एक बैग आगे है और एक बैग मेरे पीछे है, तो दो बैग हम लोगों ने लाद लिए हैं और अब हमारी यहाँ से ट्रिप स्टार्ट हो रही है। और यही पास में ही है एक बताते हैं राजा और राजा की समाधियाँ हैं, उनको छतरिया टाइप बोलते हैं, तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे और अभी हम लोग करेंगे हिचहाइकिंग। तो चलिए चलते हैं और करते हैं हिचहाइकिंग, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला वीडियो पे, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। भाई साहब पूरी जोरों शोरों से व्लॉग बनाना शुरू हो चुका है यहाँ पे और सारे बंदे पूरे जोश के साथ। रुवीन भाई जोश आ गया ना, पूरा जोश भाई, हाँ जोश, पूरे बहुत ज्यादा जोश है हम लोगों के अंदर और पूरे जोश के साथ हम लोग चल दिए हिचहाइकिंग करने के। तो आज हिचहाइकिंग करेंगे नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, आज हिचहाइकिंग रहेगी भाई पूरा दिन। आज का प्लान है हम लोगों का कि आज हम लोग पूरे दिन में एक भी रुपया नहीं खर्चा करेंगे और बस आप हिचहाइकिंग करेंगे, और कहीं भी जाना होगा ना तो सिर्फ हिचहाइकिंग ही करेंगे। तो चलिए करते हैं हिचहाइकिंग।
की पहली लिफ्ट हमको मिल चुकी है और करीबन 2 किलोमीटर की लिफ्ट हमने ली है। भैया क्या नाम है आपका? अजय सेरा भाई ने, सेरा जी ने हमको 2 किलोमीटर की लिफ्ट दी है। थैंक यू भाई, चलो चलते हैं। तो इस समय हम लोग हिचाइकिंग कर रहे हैं राजस्थान में, और ये जो रास्ता जाता है ये जाता है बड़ा बाग आगे है, वहाँ पे राजा की बहुत सारी पुरानी समाधियाँ बनी हुई हैं, तो वहाँ पे जाता है ये रास्ता। और अभी की टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर अभी है 26 डिग्री सेल्सियस, और ऐसा लग रहा है कि जैसे 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो। तो ये है राजस्थान का आलम भाई साहब, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, दिमाग ख़राब हुआ जा रहा है। और बस पास में मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे बस ये एक पेड़ है, और बस बाकी आपको मैं रास्ता दिखाता हूँ, कहीं भी कोई पेड़ नहीं है। और गर्मी में दिमाग ख़राब हो जाता है, अभी तो मतलब ठंडियों के दिन है, तब 48 डिग्री 50 डिग्री आपको टेम्परेचर समझ में आएगा, लेकिन अभी यहाँ पे मात्र 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मैंने अभी फ़ोन पर चेक करा है। तो गर्मी में यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो गाइस सर, अभी हम लोग जा रहे हैं बड़ा बाग, और ये जो मेरे पीछे आप हाईवे देख पा रहे होंगे, इस हाईवे, ये जो हाईवे है ये जाता है रामगढ़ के लिए। तो राजस्थान के हाईवे पे घूमने का अलग ही एक्सपीरियंस आ रहा है। तो यार अगर आप हिचाइकिंग करते हैं ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। और हिचाइकिंग तो आपको एक अलग ही लेवल का एडवेंचर ले जाके जाती है। तो अगर आपको कभी भी टाइम मिले ना तो आप एक बार हिचाइकिंग करके देखिएगा, आपके सोचने का और लोगों को जानने का नज़रिया ही बदल जाएगा पूरा। हिचाइकिंग बढ़िया भी है और कभी कभी नुकसान भी देती है, लेकिन ज़्यादातर तो फ़ायदा ही करती है। हिचाइकिंग से आपके ट्रैवल के पैसे बचते हैं, और हिचाइकिंग में एक दिक्कत ये आती है कि कभी कभी ये होता है कि आपको लिफ्ट शायद इतनी जल्दी ना मिले, लेकिन जब लिफ्ट मिल जाती है ना तो आप पीछे का सारा दर्द भूल जाते हैं कि हाँ आप 1 घंटे से खड़े थे कि 2 घंटे से खड़े थे, आप सब भूल जाएंगे, और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको हिचाइकिंग करके। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और काफ़ी दिनों के बाद में हम लोग, तो काफ़ी दिनों के बाद में हम लोग कर रहे हैं हिचाइकिंग, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए हैं, चलते हैं। तो फाइनली हम लोग हिचाइकिंग करके बड़ा बाग पहुंचने वाले हैं, यहाँ से करीबन 200 मीटर की दूरी पे है बड़ा बाग। तो चलिए चलते हैं बड़ा बाग, फिर आपको दिखाते हैं पूरा बड़ा बाग। मैं अभी पहली बार जा रहा हूँ, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है कि वहाँ पर क्या है। हाँ मैंने देखा है कि कुछ पुरानी राजाओं की समाधियाँ हैं और आसपास विंड मिल है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं बड़ा बाग। तो गाइस यार फाइनली हम लोग बड़ा बाग पहुंच चुके हैं लिफ्ट लेके, और हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये बड़ा बाग है, यहाँ पे एक छतरी वाली समाधियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ पे जाने का करीबन लगता है 150 रुपये टिकट, 100 रुपये यहाँ का टिकट है और 50 रुपये ये लोग एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 150 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो गाइस सर यहाँ पे छतरियाँ ही हैं और कुछ नहीं है। तो गाइस सर अगर आपको छतरियों वाला वीडियो देखना है तो गाइस सर शाम के 5:30 बज चुके हैं और हम लोग आ चुके हैं इस समय जैसलमेर शहर से करीबन 6 किलोमीटर दूरी पे, और रोड से करीबन 0.5 किलोमीटर की दूरी पे आपको पवन चक्की देखने के लिए मिल जाती है। तो फर्स्ट टाइम हम लोग आए हैं यहाँ पे देखने के लिए पवन चक्की, तो आइए आपको भी दिखाते हैं। हमने ली है ट्रैक्टर से, और इस वाले ट्रैक्टर से हम बैठ गए हैं। तो आई होप आप सबको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।